हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी बनने वाली और कढ़ाई में बना है मैंने आज पुलाव, जो बहुत ही टेस्टी, देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करते हैं हम। कढ़ाई में पुलाव बनाने के लिए देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। और घी हो गया हमारा गर्म, तो घी गरम होने के बाद हमें इसमें डाल देनी है 2 लौंग और 2 काली मिर्च, 1-2 आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। तो उसके बाद थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसमें जीरा। तो जीरा जो है उसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। जीरा देखिए हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हमें डाल देनी है प्याज, 1 प्याज काट लेना मीडियम साइज की, और वो प्याज घी के अंदर हमें डाल देना है और इसको हमें हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। प्याज का जो टेस्ट होता है वो पुलाव में बहुत ही अच्छा आता है। पुलाव तो वैसे हम कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन खुले में कढ़ाई में जो पुलाव बनाते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। तो प्याज को हम हल्का हल्का सा भून लेते हैं। प्याज हो गई है हमारी हल्की हल्की सी सॉफ्ट, तो अब हमें डालना है इसमें टमाटर। तो टमाटर को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज टमाटर जो है हमारी दोनों चीज़ हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं देखिए, और भुन भी गई हैं। तो इस स्टेज पे अब हमें इसमें डालना है मटर। तो ये बिल्कुल फ्रेश मटर मैंने डाले हैं, और इसके साथ ही हमें डालना है आलू। तो 1 आलू काट के डाल दिया है, छोटे छोटे साइज में आप आलू काट लेना, और सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला देना है सारी चीज़ों को। और 2 मिनट तक चमचा इसमें चलाते हुए हमें इनको पकाना है। तो अब डालते हैं हम मसाले। तो मसालों में सबसे पहले तो हमें डालना है मिर्ची का पाउडर। तो ये जो थोड़ी सी तीखी मिर्ची है, 1/2 स्पून वो ली है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। इसके साथ ही 1 टीस्पून हमें डाल देना है इसमें धनिया, और नमक हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कितना नमक आप पसंद करते हैं। मैंने 1.5 स्पून नमक डाल दिया। नमक थोड़ा सा पुलाव में ज़्यादा ही जाता है, तो कम ज़्यादा मसाले आप कर सकते हो, जैसा भी टेस्ट आपको पसंद हो मसालों का, ज़्यादा या कम उतना आप डाल लेना। और इसके साथ ही हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जो हमारे नीचे लगे ना, और जो मटर आलू है हल्के से हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो मसाले को पकते हुए 2 मिनट हो गई हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं चावल। तो ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, और इनको 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया था, और 10 मिनट पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था पानी में। तो ये 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, और चावल मसाले के साथ ही हमें अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक ऐसे ही हमें इनको भी पकाना है। तो अब पकते हुए हो गए 2 मिनट। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो मैंने 1 गिलास चावल लिया था, और ये मैंने 2.5 गिलास इसमें डाल दिया है पानी। वैसे तो जब मैं कुकर में बनाती हूँ तो 1 गिलास अगर मैं चावल लेती हूँ तो उसमें मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ, लेकिन आज हम खुले चावल बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से एक बार और मिक्स कर देना है। गैस को हमें रखना है लो और मीडियम फ्लेम पे, और इसको अब हम ढक के पकाएंगे। तो एक प्लेट से ढक देना, और गैस को लो मीडियम फ्लेम पे करके ना हमें इनको पकाना है। ये हमारे गर्मा गर्म पुलाव बनकर रेडी हो गए। देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुले खुले हमारे ये पुलाव बने हैं। तो आप एक बार खुले में इस तरीके से कढ़ाई में पुलाव बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे पुलाव बनते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।